कहाँ से आए हैं सर? फ्रॉम जम्मू। जम्मू से हैं आप? जम्मू से राजस्थान एडमिशन करवाने हैं। हाँ, कैंप वगैरह सब फैकल्टी बेस्ट है। और सबसे अच्छा सीएलसी में क्या लगता है? कैंप। 29 साल हो जाए, आखिरी सांस ये काम करना है। जी सर। जीवन के साथ भी सीएलसी और जीवन के बाद भी सीएलसी। मतलब जैसे लेके आए थे ना बच्चे वो, तो उस टाइम मतलब मिल था, लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब हर चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ, फिर इनका पढ़ाने का तौर तरीका अच्छा हुआ, तो मतलब प्रोग्रेस होता रहा। अच्छा, मैथ सिस्टम भी बढ़िया लगा हमको यहाँ। जी, हॉस्टल की फैसिलिटी सारी खुली है, कंजस्टेड सा रूम नहीं है, तो बच्चा स्ट्रेस फ्री हो गया यहाँ स्टडी करेगा। नमस्कार, मैं हूं आरजे सूरज और आप देख रहे हैं मुझे 89.61 सीकर के डिजिटल पेज पे। साथ ही आप मुझे देख पाएंगे सीएलसी के डिजिटल पेज पे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूं सीएलसी, जो 29 वर्षों से एक नंबर पर रहने का कीर्तिमान बनाए हुए हैं। और वर्तमान की अगर बात करूं तो 720 में से 700 नंबर लाने वाले 43 स्टूडेंट एक्सेप्टेड, जो मार्किंग की गई है बच्चों के साथ में, वो देखी जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और सबसे बड़ी बात ये होती है किसी भी संस्था के लिए कि लगातार किसी संस्था का नंबर 1 पे बना रहना एक बहुत बड़ी बात होती है। और वो क्यों है, किस तरह से है, आज इसके बारे में पूरा हम जानेंगे। यहाँ पे जो पेरेंट्स एडमिशन्स के लिए आए हुए हैं उनसे ही कुछ से जानेंगे। सीकर जो कि एक एजुकेशन हब है, वहाँ पे हजारों ऑप्शन होने के बावजूद भी आपने सीएलसी को चुनने के पीछे क्या कारण है, आज हम उन पेरेंट्स से भी जानेंगे। और सौभाग्य की बात बताऊँ, यहाँ पे हमारे साथ डायरेक्टर सर भी बैठे हैं, श्रवण चौधरी सर बॉस जो हमारे हैं वो भी बैठे, तो उनसे भी 2 मिनट में बात करना चाहूँगा। चलिए मेरे साथ। सर सबसे पहले तो प्रणाम। 29 वर्षों से लगातार एक नंबर पर बने रहना एक बहुत बड़ी बात है, एक कंटिन्यूटी रहना बहुत अच्छी बात है। क्या कारण है, क्या योगदान है, क्या सहयोग है? तो पहले खड़े होकर बात करता हूँ आपसे। अच्छा सर, बैठ के बात करना। देखो सूरज सर, क्या होता है इस पर मुझे किस्सा बताता हूँ आपको मैं। जी सर। निश्चित बात है कि 29 साल से आदमी कोई काम करता और थक सकता है। जी। पर मैं क्यों नहीं थका, इसका कारण बताता हूँ। एक पहाड़ी इलाके में एक फौजी भाई पहाड़ पे चढ़ रहा था। जी सर। साथ एक बच्ची चढ़ रही थी। फौजी भाई के पीछे वजन होता 30-35 किलो। उस बच्ची ने अपने भाई को गोद में ले रखा था जिसका वजन भी 30-35 किलो था। जी। तो फौजी भाई ने कहा कि बेटा मैं तो फौजी हूँ और मतलब सक्षम हूँ, मतलब तू छोटी सी गुड़िया है, तेरे कंधे पे जो तेरे भाई का वजन है इसे थकती नहीं है क्या तू? तो उस गुड़िया ने बड़ी प्यारी बात की, उसका अंकल आपके कंधे वजन है, मेरे कंधे मेरा भाई है, बिल्कुल वो वजन नहीं है। तो मैं कोचिंग को इंस्टीट्यूट या कॉमर्शियल नहीं मानता हूँ, मेरे लिए मंदिर है, और मंदिर में पूजा करते हुए पुजारी कभी थकता नहीं, यही कारण है। 29 साल हो जाए, आखिरी सांस ये काम करना है। जी सर। जीवन के साथ भी सीएलसी और जीवन के बाद भी सीएलसी। बहुत सही। और आप देखते हैं यहाँ, अभी आप देखोगे तो यहाँ पेरेंट्स बच्चे जिस प्रकार से मान सम्मान करते हैं, रिगार्ड करते हैं, वो एक ताकत है हमारी जो हमें मस्त रखती है, मजबूत रखती है। और अब तो मेरे दोनों बेटे भी आपको पता मेरे साथ खड़े हो गए। अब तो मेरी एनर्जी 4 टाइम होगी। और इस बार देखा भी आपने शुरू से रिजल्ट हमारे इस बार जेई का 4 टाइम है और नीट का तो इस बार ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएलसी ने खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है कि लास्ट ईयर जो बच्चे 98% वाले जो बच्चे 17 बच्चे थे 64 4 गुना पहुंच गए हैं। बहुत बहुत बधाई। 700 पे 2 थे वो 43 क्लासरूम से डीएलपी जोड़ते। और परसेंटेज बात करें ना तो देश की हर कोचिंग से बढ़िया रिजल्ट नीट का 700+ का क्लब अपनी सीएलसी का। और आप ठीक है? बिल्कुल सर। आगे मैं बच्चों से मिलना चाहूंगा और पेरेंट्स से बात करना चाहूंगा। थैंक यू सर। तो चलिए मेरे साथ अंदर जो पेरेंट्स बैठे हैं हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि सीएलसी क्यों उनकी पहली पसंद है। मैम सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। सीमा रानी। सीमा मैम। हाँ। सीमा मैम कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जी हरियाणा से। हरियाणा से सीकर आए हैं राजस्थान में आप? हाँ जी सर। कारण श्रवण सर की ये जो वीडियोस हमने देखे हुए हैं यूट्यूब पे, इससे काफ़ी इम्प्रेस हुई हूँ सर मैं, क्योंकि मैं खुद गुरुकुल से पढ़ी लिखी हूँ और ये आधुनिक लेवल का गुरुकुल लगा मुझे, क्योंकि शाम को जो असेंबली होना और दिन में ये स्वाध्याय बोलते रहे हमारे टाइम में इसको, सेल्फ स्टडी जो आप कैंप का नाम दे रखा है, तो ये दोनों चीजों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जी बेटा क्या नाम आपका? साक्षी। साक्षी एंड योर? शयालू। सॉरी शयालू। वेरी डिफरेंट नेम यार। कोई नहीं। कैसा लग रहा है आपको, स्टडी कैसे हो रही है यहाँ पे? मस्त है, बढ़िया है, एकदम मस्त हो रही है। कैंप वगैरह सब फैकल्टी बेस्ट है। और सबसे अच्छा सीएलसी में क्या लगता है? कैंप। कैंप लगता है सबसे अच्छा सीएलसी में। ओके। और स्टडी का टाइमिंग जो रहता है आपका वो सब अच्छा है? शेड्यूल पैक, मतलब बिल्कुल रेस्ट भी मिलता है और शेड्यूल वगैरह सब स्टडी टाइमिंग फिक्स है और मतलब कंप्लीट नींद भी है 6 आवर की, तो सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया। सेल्फ स्टडी के बारे में क्या कहेंगे आप? सेल्फ स्टडी कैंप में ज़्यादा बेटर होती है, उधर ज़्यादा अच्छा माहौल होता है। ओके। घर में जो पढ़ते हो आप, एक तो सेल्फ स्टडी आप घर में अकेले बैठ के करते हो, एक यहाँ करते हो, तो क्या मतलब क्या फ़र्क लगता है कि यहाँ पे अच्छा हो रहा है? घर में डिस्ट्रैक्शन होती है, कैंप में डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होती, एकदम कंटिन्यूस स्टडी होती है। ओके, तो क्या माने कितना परसेंटेज दिया होगा इस बार? अब वो 650। कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं सुरेश कुमार। कहाँ से आए हैं सर? राम जम्मू। जम्मू से हैं आप? जम्मू से राजस्थान एडमिशन करवाने हैं। हाँ, CLC का नाम बड़ा फेमस है और जहाँ से बच्चे जो हैं काफ़ी अपने मुकाम पे पहुँच रहे हैं, नीट, IIT और इसमें NDA के बच्चे हमने काफ़ी सुना जम्मू में, यूट्यूब में भी हमने सुना। इनका डायरेक्टर साहब जो है उनके साथ हमारी बातचीत होती रहती है, ऐसी बात नहीं, काफ़ी नाम है इनका। बाकी मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से एम्प्लॉई हूँ, तो मैंने भी सोचा कि अगर यहाँ से बच्चे अगर बड़े अपने अच्छे मुकाम पे पहुँचते हैं तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि वहीं पे बच्चे को मैं एडमिशन दिलवाऊँगा, चाहे मेरा जितना भी पैसा लग जाए। मैंने देखा कि इधर कोई इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है बच्चे के लिए। एक तो मेडिकल रखा है बच्चे ने, बायो रखा है। दूसरा नंबर हमारे उधर गांव में कहीं एक प्रॉब्लम बड़ी बनती है ट्यूशन की। आजकल ट्यूशन का बड़ा माहौल बन गया है कि ट्यूशन इम्पॉर्टेंट है, बट अगर बच्चा पढ़ने वाला अगर हो तो अगर वो CLC का संग कर ले तो मैं कह रहा हूँ पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, वो अपने अफसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा और वो लेफ्टिनेंट बनेगा और वो इंजीनियर बनेगा। तो भी एक पेरेंट्स और हैं हमारे साथ में, इनसे भी हम जान लेते हैं। सर सबसे पहले तो जानना चाहूँ कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर हम रोहतक से हैं। रोहतक हरियाणा से बिलोंग करते हैं। सर CLC ही क्यों? सर इसमें हमारे फैमिली मेंबर के कई बच्चे पहले यहाँ आए हुए थे और उनका सिलेक्शन हुआ है और 650 से लेकर 700 के बीच मार्क्स आए उनके। ग्रेट। और 3 हमारी बेटियां तो MBBS भी कर रही है यहाँ से, उनका 3rd ईयर हो चुका है। ओके, तो तक से हैं। मतलब पीछे से काफी अच्छा बैक मिला आपको कि CLC के अंदर। सर कुछ यहाँ पे वैसे शिक्षा नगरी माना जाता है सीकर को। सीकर जो हमारे बहुत सारे एजुकेशन सेंटर्स हैं यहाँ पे, क्या कुछ अलग दिखता है यहाँ पे? सर एक तो इसका कई जो पिछले कई सालों का रिजल्ट है इसका CLC का। दूसरा हम ही आए हैं तो हमें लगा काफ़ी बड़ा खुला माहौल है, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट है। शाम को बताया कि सर जो है श्रवण जी वो हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं। सर अच्छा मैथ सिस्टम भी बढ़िया लगा हमको यहाँ। हॉस्टल की फैसिलिटी है सारी खुली है, कंजस्टेड सा रूम नहीं है, तो बच्चा स्ट्रेस फ्री हो गया यहाँ स्टडी करेगा। चलो मैं मैम से भी कुछ जानना चाहूँगा। मैम एक्चुअली क्या था ना कि मदर बहुत ज़्यादा वो होती है कि यार बच्ची वहाँ पे अकेली रहेगी, कैसे एडजस्टमेंट करेगी, क्या उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी क्या रहती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे मेरे अंकल हैं, उनकी बेटी यहाँ रहती थी तो आंटी ने मतलब सारा बताया था कि मतलब बेटी सेफ रहेगी यहाँ पे, तो सिक्योरिटी और सेफ्टी के मामले में आप एकदम संतुष्ट हैं CLC के एनवायरनमेंट से? सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। मेरा नाम सुनीति है सर। कहाँ से आए हैं? सिरसा हरियाणा से। आप साथ में हैं? हाँ जी। ओके, तो मैम थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि बच्चों को एडमिशन दिलाने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। क्या सोचे, कहाँ से सुना CLC के बारे में? CLC के बारे में किसी ने रिकमेंड किया था एक तो, और फिर मैंने उसके बारे में यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी सर्च किया सारा, तो मतलब कुछ मतलब लगा भी हाँ आना चाहिए, तो फिर आए। क्या उम्मीद रखते हैं आप CLC से? उम्मीद तो यही रखते हैं कि हमारा बच्चा सिलेक्शन हो आगे, बस यही है। तो आपने CLC के रिजल्ट्स के बारे में भी देखा, इंस्टीट्यूट के बारे में देखा कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, सारी चीज़ें देखी है आपने? देखो मैं तो एज ए मदर मैंने कैंपस एनवायरनमेंट देखी और फादर ने इन्होंने मतलब बच्चे ने सारा मतलब वो देखा एजुकेशन का सारा। हाँ। देखा। कुल मिला के आपको कैसा लगा? ओके, मैंने खाना खाया यहाँ पे तो मुझे घर जैसा लगा। घर जैसा लगा? हाँ, खाना मेरी तरफ से मतलब खाने का। हाँ मतलब मदर है आप, एज ए मदर आपने वो चीजें देखी कि जी मैं जो अपने बच्चे को खाना खिला रहा हूँ वैसा खाना ले पा रहा कि नहीं पा रहा, यहाँ पे रहेगा कैसे, वो सारी चीजें आपने देखी। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पिलानी से बिलोंग करता हूँ। पिलानी से बिलोंग करते हैं। सर CLC में एडमिशन करवाया बच्चे का? हाँ, मेरा एडमिशन मतलब फाउंडेशन में कराया था 11th क्लास से। ओके, बेटा बेटी दोनों का? दोनों का। हाँ सर। सर CLC क्यों? इतना बड़ा शहर, बहुत सारे ऑप्शंस, क्योंकि CLC में इसमें क्या मतलब फीडबैक लेते हैं बाएं दाएं से, तो अच्छी मतलब प्रैक्टिस तैयारी कराते हैं, बढ़िया मतलब इसका वो है तैयारी कराने का, प्रिपरेशन अच्छी कराते हैं, बोर्ड्स भी पूरा ध्यान रखता है बच्चों का। जैसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, कितना टाइम हो गया आपके बच्चे को? मेरा बच्चा आपके तीसरा साल है। साल है। ओके, तो जैसे एक चीज ये भी है कि बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं आप? मतलब जैसे लेके आए थे ना बच्चे को, तो उस टाइम मतलब नील था, लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब हर चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ, फिर इनका पढ़ाने का तौर तरीका अच्छा हुआ, तो मतलब प्रोग्रेस करता रहा, प्रोग्रेस कर रहा है। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम घनश्याम सिंह है। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? दौसा से करते हैं। दौसा गाँव है दौसा। तो बच्चे का एडमिशन यहाँ पे करवाया आपने? जी जी जी। तो सीकर एक एजुकेशन हब है, सब जानते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके साथ पास में। सीएलसी क्यों? सर सीएलसी में एक अच्छा पहले से रिजल्ट देता हुआ आ रहा और हम सारी चीज़ों में सर्टिफाइड हैं इनसे, और भी कोचिंग हमने देखे थे में ठीक है। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। बलवान से। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? तारानगर से हैं आप। तो सर एडमिशन हो गया बच्चे का? हो गया। सर सीएलसी में एडमिशन कराने के पीछे रीज़न? पढ़ाई की वजह से।